आप रील चलाते इंस्टाग्राम, तो देखते हैं कि किसी भी इमेज पे शायरी लगा के वीडियो अपलोड की जाती है तो उसके लाखों का सब्सक्राइब फॉलोअर्स होते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपके पास पिक्सल, पिक्सल एक ऐप होता है, उसको आपको क्या करना होगा, सिंपली आप क्रोम से या प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद ऐप आपको मिल जाएगा, फिर उसे सिंपली आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर कोई सा भी इमेज, मतलब ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ पर ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है उसके बैकग्राउंड हटाने में बहुत इजीली होते हैं। फिर यहाँ करने के बाद फिर यहाँ सेव लेके, क्योंकि सेव लेके उस पर हम शायरी लिखेंगे या कुछ भी लिखना होगा, जो लिखना होगा किसी चीज़ के बारे में डिटेलिंग करनी होगी, तो इससे आसानी हो जाएगी। फिर आसानी करने के बाद आप इसे अपने हिसाब से मिनिमाइज कर लेंगे, जैसे आपको साइज़ कंप्रेस करना होगा, जैसे साइज चाहिए आपको कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप साइज़ देख लेंगे, अब से इसे मिनिमाइज कर लेंगे। फिर यहाँ सेव देख लेंगे, बहुत सारे सेव आ जाएंगे, जो भी आपको सेव जो अब आपको अच्छा लगे, आपको जैसा भी लगे आप पास कर लेंगे। फिर इसके बाद जो इसके बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर पे थोड़ा सा आप इफेक्ट दे देंगे, अगर कलर लेना चाहे कलर, नहीं तो इसकी शैडो भी दे सकते हैं आप, शैडो वाला भी ऑप्शन आता है इसमें, शैडो भी ऑप्शन है, आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे तरीके और बहुत सारे इसमें होते हैं, आप जैसा जो यूज़ करना चाहिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि टेक्स्ट तो लिखने के लिए उसके लिए ज़रूरी है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। शैडो वाला देखिए ऑप्शन है, शैडो भी दे सकते हैं, अगर चाहे जो ब्लैक बॉडी बैकग्राउंड क्या नाम है बॉन्ड है उसे आप हटा भी सकते हैं। फिर यहाँ पर टेक्स्ट जो आप लिखेंगे या तो कॉपी करके कहीं से पेस्ट करेंगे, और भी फिर यहाँ पर इमोजी भी दे देंगे, तो इमोजी देने से आपकी जो शायरी और जो आपके टेक्स्ट और अच्छे लगते लगे हैं, फिर इमोजी दे देंगे यहाँ पर। फिर इमोजी देने के बाद इसे ओके कर देंगे। कैमरा सेट, अगर आप सेट बना रहे हो तो सेट या तो हैप्पीनेस वाला बता रहे हैं, हैप्पीनेस वाला कोई सबसे प्रॉपर कलर, प्रॉपर साइज, मतलब ऐसा लगाएंगे कि देखने में अवॉइड ना, मतलब देखने में ख़राब ना लगे, अच्छे से आप फिट करिए। यहाँ पर जो फॉन्ट चाहिए आया तो आपको फॉन्ट अगर कोई अच्छा सा नहीं लग रहा तो आप क्रोम पे जाके सर्च करेंगे और डाउनलोड करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ साइज देख लेंगे, साइज ना ऐसा ना करें कि इससे बाहर हो जाए, इसी के अंडर मतलब राउंड में ही रहे। और कलर आप देख लेंगे, ब्लैक लेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको जैसा कलर वाइट जो कलर आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कलर यहाँ पर कर लेंगे। फिर यहाँ पर सेव कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे अगर आपको उसी को बंद करना है, लॉक करना होगा तो जो करना होगा, लेकिन आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सिंपली लॉक तो करना है, लॉक कर लीजिए, अगर लॉक नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टी आप इसे सिंपली सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इन शॉर्ट आप ऐसे भी एप्पल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कोई इमेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे, बहुत सारी इमेज आपके पास आएंगे, जो आपको इमेज जिस पे आप या तो किसी हीरो के अपना, जैसे मैं सिंपली अपना लगा के आपको समझाना चाह रहा हूँ, किसी का भी इमेज। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है, टिकटॉक, आप साइज़ देख लीजिए जिस हिसाब से साइज़ आप जिस पे अपलोड करना चाहते हो उस हिसाब से साइज़ आप देख लेंगे। फिर यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर आ जाएंगे, ब्राइन ब्लैक जैसे जो फिल्टर ब्लर आ जाएंगे, बहुत सारे ब्लर और बहुत सारे फीचर भी इसमें हैं, आप अपने हिसाब से फीचर को ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ से इसे जूम कर लेंगे, जूम करने के बाद जहाँ तक आपकी पूरी इमेज हो वहाँ तक इसे आप फैला लेंगे या स्क्रॉल कर लेंगे। फिर यहाँ करने के बाद कट आउट पे आने के बाद क्रोम पे आने के बाद इस पर कलर पे क्लिक करेंगे, तो अगर यहाँ से नहीं होगा तो ब्लैक कलर कर लेंगे, जो एक ग्रीन देख रहा था बोर्ड पे उसे आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आप जिस हिसाब से ऊपर लगाना चाहे नीचे लगाना चाहे जिस हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं सेट कर लेंगे। अगर आप ऐसी इमेज लगाएंगे जिसमें ऊपर या नीचे थोड़ा सा ऊपर गैप हो या नीचे गैप हो तो उस पर और अच्छा लगेंगे, क्योंकि देखिए मेरे इसमें जगह नहीं है इमेज में, तो मैं बस सिंपली आपको समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पर कटआउट कर देंगे, कट करने के बाद फिर ओके कर देंगे। फिर फिल्टर देखिए, फिल्टर वाले भी ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं, फिल्टर वाले भी यहाँ पर हो गया।
स्क्रॉल करने के बाद बहुत सारे फीचर हैं आपको, जो फिर म्यूज़िक अगर हम कोई म्यूज़िक करना चाहते हैं फिर सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव करने के बाद आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे या कहीं भी अपलोड कर देंगे।